हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल द वर्ल्ड ऑफ मास्टरी उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे और महफूज होंगे सो बिफोर स्टार्टिंग और टॉपिक इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल लेट दैन सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस नोटिफिकेश तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो की जाने चलते हैं ठीक है तो नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक है हमारे पास आज कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की खसूसियात और ये आपको आज पढ़ाने वाले हैं सर उबैजनूर यानी के मैं हाँ, तो सवाल है हमारे पास कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर या फिर वॉट इज़ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर या डिफाइन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर ये सवाल पेपर में इस तरीके से सवाल आते आते हैं लेकिन सबका आंसर सिर्फ एक ही होता है तो पहले हमारे पास स्पीड और कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर दैन एनी अदर मशीन विच डिज़ाइन टू डू सिमिलर टास्क हमारा जो कंप्यूटर है वो कोई भी काम करता है तो बहुत तेज़ करता है बनस्बत उन तमाम मशीन्स के जो कि वही काम करने के लिए बनाई गई होती हैं स्पेसिफिकली तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा तेज काम करता है दूसरा है रिपीटेशन के कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेम टास्क माइन टाइम्स विदाउट बीइंग बोर्ड और टाइड कंप्यूटर एक ही काम बार बार कर सकता है बिना थके और बिना बोर हुए और हमें करनी पड़े तो हमें मौत आती है <laughs> क्या मजाक सेट के तीसरा है एक्यूरेसी अ कंप्यूटर अकुरेस हाई प्रोसेसिंग स्पीड इज़ ए कम्फेन बाई हाई एक्यूरेसी रिजल्ट कंप्यूटर इतनी जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट देता है और वो रिजल्ट भी एकदम एक्यूरेट होता है यानी इतना तेज काम करने के बावजूद कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट होता है उसमें कोई भी गलती नहीं होती और अगर कोई गलती होती है तो कंप्यूटर की नहीं वो हमारी अपनी गलती होती है ठीक तो है तो याद रखिएगा कंप्यूटर जो भी काम करता है वो हमारी मर्जी से कर रहा होता है ठीक है तो चौथा हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर कैन मेक सम डिसीजन ऑन कंडीशंस एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली यानी जो कंप्यूटर है वो कुछ फ़ैसले करता है हालतों को देखते हुए उनके ऑन उन, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेता है ठीक है जैसे कि मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर या मेरे लैपटॉप या मेरे मोबाइल के अंदर वो स्पेसिफिकेशनस नहीं है जो सॉफ्टवेयर कुछ चाहिए तो कंप्यूटर हमें बता देता है कि भाई आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इस लाइक नहीं है कि ये चीज़ उसमें इंस्टॉल हो सके तो इसी तरीके से ख़ुद कुछ डिसीजन ले सकता है ठीक है तो इसके बाद हमारे पास पाँचवा है स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन यानी कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन विच स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रिकॉल इट एज़ वन नीडेड कंप्यूटर एक इंसानी दिमाग की तरह है जिसके अंदर एक बार डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया उसके बाद फिर जब चाहे जब यानी उसको जरूरत हो तो उसको रिकॉल कर लेता है याद कर लेता है सेल्फ चेकिंग कंप्यूटर वेरीफाइज़ द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मींस ऑफ पेराटी चेक यानी हम जो कंप्यूटर एक बार कोई काम कर रहा होता है तो ख़ुद भी चेक करता है जैसे हम एम एस वर्ड इस जगह पे हम कुछ वर्ड टाइप करते हैं गलत हो तो नीचे रेड लाइन आ जाती है फिर हम उसको सही करते हैं कंप्यूटर इस तरीके तो से सेल्फ चेक भी करता है ठीक है तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है सेल्फ चेकिंग इसके बाद हमारे पास एक आता है सेल्फ ऑपरेटिंग once data is fed into computer's memory, the computer has ability to executing the instructions on its own without human intervention. कह रहे हैं कि एक बार जो डेटा हमने कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया उसके बाद कंप्यूटर की यह खासियत है कि वो उसके ऊपर अमल कर सकता है उसके लिए उसे किसी भी ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत नहीं यानी हमें ज़रूरत नहीं हम कुछ करें हमने एक बार सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया फिर वो खुद ही चल रहा होता है ठीक है हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आया होगा थैंक यू एंड लल्ला हाफिज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको मज़ीद कमेंट करिएगा लाइक करिएगा थैंक यू सो मच लल्ला हाफिज़